चलिए दोस्तों आज बात करते हैं यानी कि कैलेंडर यानी कि पंचांग। कैलेंडर का प्रश्न जो कि हर एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है, और मैं एक ऐसा यानी कि ट्रिक लेके आया हूँ कैलेंडर का, जो आप लोग कभी भी कहीं भी अगर पढ़े होंगे तो ऐसा ट्रिक से कभी नहीं पढ़े होंगे। और यह ट्रिक यानी कि ये ट्रिक अगर मतलब दो ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर याद कर लीजिएगा तो पूरा कैलेंडर यानी कि थर थर कांपेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 जुलाई 1512 ईस्वी को यानी कि रविवार था, तो 1 जुलाई 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले यानी कि मंथ का कोड हमको याद होना चाहिए, और उसके बाद यानी कि वर्ष का कोड याद होना चाहिए, चाहे वर्ष शताब्दी वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो, चाहे साधारण वर्ष हो। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना, मंथ का कोड भी, शताब्दी वर्ष का कोड भी, और यानी कि लीप वर्ष या साधारण वर्ष का कोड भी। तो इसको अगर याद कर लीजिएगा ना, मात्र दो तीन को कोड है, ठीक है, तो यानी कि रीजनिंग जो है थर थर का पेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी कि जैसे कि यानी कि 1600, ठीक है ना, 1600 ये लीप शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को यानी कि 400 से डिवाइड करते हैं, तो बराबर में यानी कि पूरा कर रहा है, पूरा हुआ ना, और ये जीरो पर कोड होता है 6, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद जैसे कि यानी कि 1400 ले लेते हैं, इसको अगर काटिएगा तो यानी कि 400 से 4 किया 12 2 बच रहा है, सिर्फ 2 का कोड यानी कि जो ही होगा। ठीक है, अब यानी कि उसके बाद यानी कि जैसे यानी कि 1500, ठीक है ना, 1500 भागा यानी कि 4, और 400 से भाग दीजिएगा यानी कि 4 किया 12 यानी कि 3 से सवा बच रहा है, और 3 का यानी कि कोड 0, ठीक है ना। ये सब यानी कि याद रखिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कोई भी एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन को हल करने में। और यानी कि बच गया अब मंथ का कोड। अब मंथ के कोड के लिए यानी कि एक ट्रिक है, यानी कि वर्ष का कोड हो गया, ठीक है ना, वर्ष का कोड या शताब्दी वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पे समझिए पहले। ठीक है, उसके बाद यानी कि मंथ का कोड, ठीक है ना, मंथ का कोड देखिए एक भाषा है, और वो भाषा को हमेशा याद रखिएगा। भाषा इस प्रकार है, या शब्द इस प्रकार है, या सेंटेंस इस प्रकार है, देखिए यानी कि 0:33, ठीक है, और यानी कि 0:35, उसके बाद यानी कि 614 और 625, जैसे हम लिखे हैं उसी प्रकार आपको भी लिखना है, 0:33 0:35, बीच में 614 625। अब देखिए ये यानी कि जनवरी का कोड, ये यानी कि फरवरी का, ये यानी कि मार्च का, ये यानी कि अप्रैल का, ये यानी कि मई का, ये यानी कि जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का, ये दिसंबर का, ठीक है। अरे भैया ये याद हो गया तो पूरा रीजनिंग आपसे यानी कि उंगली पर हिलेगा, ये कोड याद होने के बाद पूरा रीजनिंग आपको यानी कि उंगली पे घूमेगा, अगर नहीं घूमेगा तो मेरा वीडियो आप लोग कभी नहीं देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न पे, अब चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यानी कि इस प्रकार है, 1 जुलाई 1512 को रविवार था, तो 1 जुलाई 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये फैक्ट को समझिए, सबसे पहले यानी कि 1 जुलाई 1512, ठीक है ना, 1 जुलाई 1512, तो यानी कि जो डेट दिया है ना उसको सेम ही रखना है, तो सेम रख दीजिए। अब यानी कि जुलाई, चलिए तो जुलाई का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का कोड यानी कि 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब यानी कि 2000, देखिए 1500 है ना, 1512, ये 1512, अरे भैया 1512 है ना, तो 1500 को अलग कर दीजिए और 12 को अलग कर दीजिए, 1500 को अलग कीजिएगा ना, देखिए शताब्दी वर्ष हो गया, और इसको भाग दीजिएगा तो 3, और 1500 का कोड कितना हो जाएगा यानी कि 0, देखिए 0 हो गया। अब 12 है ना, 12 को वैसे ही लिख दीजिए, वैसे ही हर क्वेश्चन से लिखना है, लास्ट वाला 12 को वैसे ही लिख दीजिए। और फिर एक बार फिर क्या करना है, वैसे लिखने के बाद फिर यानी कि मंथ कोड यानी कि याद करने के लिए इसको 4 से भाग लगाइए, 4 से अगर भाग लगाइएगा ना तो 4 किया 12, 3 बार तो पूरा यानी कि लीप वर्ष याद करने के लिए, हमको यानी कि किसी भी वर्ष में यानी कि 4 से भाग लगाते हैं वो भी लाख दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि 4 से भाग लगाए तो पूरा करते यानी कि 3, इसमें 3 को लीप वर्ष होगा तो 3 दे दीजिए। अब यानी कि सबको एड कर दीजिए, सबको एड करने के बाद यानी कि 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करने के बाद देखिए 6 1 7 कैंसिल हो गया, 7 1 7 और 5 5 3 8 यानी कि 1 बच रहा है, और 1 का मतलब होता है यानी कि सोमवार होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ यानी कि यहाँ जो दिया हुआ है रविवार, तो इससे कितना माइनस 2 दिन कम है कि नहीं। अब चलिए अब ये तो यानी कि इसका ना हमको आंसर निकालना है 1 जुलाई 2004 को, तो चलिए ना भैया देखिए ना 1 जुलाई का कोड कितना यानी कि 6, तो चलिए भैया यानी कि 6 दे दीजिए। अब 2000 को अलग कर दीजिए, अगर 2000 को अलग कर दीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए एक और यहाँ पे लिख लीजिए 2000 को 400 से भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है यानी कि 0 0 आएगा तो 6 कोड, यहाँ पे 0 आएगा तो इसका भी कोड 6 से होगा, ठीक है। अब चलिए है ना 2000, इसका भी कोड यानी कि 6, और फिर यानी कि 4 को 4 लिख दीजिए, और फिर यानी कि बोले हैं यानी कि लीप वर्ष
स्लीप वर्ड्स याद करने के लिए चार से डिवाइड करते हैं, अगर चार को चार से भाग दीजिएगा तो एक बचेगा, और एक जो बचे है उसी को यानी कि ऐड करते चलिए, और सबको ऐड कर दीजिए और इसको यानी कि सात से भाग दीजिए। देखिए छह के साथ कैंसिल, छह के साथ कैंसिल, यानी कि चार बच रहा है, और चार का मतलब क्या होता है, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार कहते हैं, ठीक है, यानी कि गुरुवार कहते हैं। अरे भैया ये गुरुवार तो हुआ ना, अरे गुरुवार तो हुआ तो इसमें से यानी कि देखिए इसका जो आंसर है इसे यानी कि दो दिन कम है, इसमें से भी दो घटा दीजिए, अगर गुरुवार में से दो दिन घटाइएगा ना, यानी कि गुरुवार में से माइनस दो दिन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अरे बृहस्पति है, बृहस्पति में से दो दिन माइनस कीजिएगा तो मंगल ना होगा, चलिए 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 मंगल हो गया, और यही मेरा आंसर हो गया। मैंने समझाया तो इतना मिनट लगा, ठीक है, या ज्यादा टाइम लगा, अगर आप लोग बनाइएगा ना समझने के बाद तो मात्र यानी कि 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको यानी कि समझाए इसलिए इतना टाइम लगा है। तो चलिए अब यानी कि आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ तो यानी कि रविवार दिया, ठीक है ना, ये दिन जो होता है ना काल्पनिक होता है, यानी कि अपना मन से रखा हुआ किसी का नाम, ठीक है ना, यानी कि ये जो हुआ ना काल्पनिक हुआ, जो अंदाजे रख दिया, जिसको यानी कि कह सकते हैं अंदाजे रख दिया। अब यानी कि ये जो आया ना 1512 को, ओरिजिनल दिन देखिए सोमवार होगा, आप कैलेंडर निकालिए और 1 जुलाई 1512 को देखिएगा तो यानी कि सोमवार आएगा, नहीं विश्वास हो रहा है तो कैलेंडर जरूर निकालिए। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।